लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। चुनाव के दौरान नशे और पैसों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस की तरफ से शक्की व्यक्तियों और आने जाने वाली गाड़ियों की गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। इस कड़ी के अंतर्गत जालंधर पुलिस और SST टीम की तरफ से नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान अकाली दल उम्मीदवार चरणजीत सिंह अटवाल के लिए प्रचार कर रही इनोवा गाड़ी को रोक कर उसकी चेकिंग की गयी तो उसमें से 3.5 लाख रूपए की नकदी बरामद हुई। जाँच अधिकारी मुताबिक उनकी तरफ से चेकिंग दौरान 2 अलग-अलग पार्टियों से चेकिंग दौरान कैश बरामद हुआ है जिसकी कुल राशि 5 लाख रुपए से ऊपर है। एक इंद्रजीत सिंह तो PB08 DB0416 तो 1,62,000 रुपया प्राप्त होया तो एक होर गुरप्रीत सिंह सन ऑफ रशपाल सिंह तो 3.5 लाख रुपया प्राप्त होया। फ्लाइंग स्क्वाड ते स्टैटिक टीमां जिहड़ियां वो इलैक्शन कमिशन दी हदायतां मुताबक चलदियां है और जिथे भी सानूं कोई मनी बरामद हुंदी है वो असी जिहड़ी है वो जिहड़ी कमेटी है उन्हूं रैफर करीदा है। वो सारी उहदी स्क्रूटनी करदी है। इनकम टैक्स नूं भेजण वाली चीज़ इनकम टैक्स नूं चले जांदी है। जिहड़ी ADC लैवल दी कमेटी है जे उन्हां ने कोई सैटिस्फाइड हो जांदे ने तो उहदी वो रिलीज़ दा ऑर्डर करदे आ। तकरीबन जो मैनू पार्टी बारे तो नहीं नॉलेज क्योंकि मैं तो हूँ इतने सीधा ही आया बट मैनू साढ़े DCP साहब ने दसिया भी टोटल 5 लाख रुपया अलग अलग दो पार्टीज़ तो फड़िया गया तो उन्हें जी स्क्रूटनी है वो जारी है। देखो भाई साहब ये तो ADC साहब ने दसना है फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने उन्होंने रैफर करना उन्होंने ये सारा देखना है। पुलिस का काम नहीं है साडा काम है जिथे भी कोई रिकवरी होंगी असं उन्होंने हैंड ओवर करिए। देखो मैं भाई साहब मैनू उस बारे नॉलेज नहीं मैं तुहाडे सामने हुणे आया बस स्टैंड ते ADCP साहब ते जिहड़े ADC साहब ने दस देणगे तुहानू डेफिनेटली शेयर करना। बता दें कि जैसे ही कैश पकड़े जाने का मामला पार्टी नेताओं तक पहुंचा तो अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ और उनके और समर्थक मौके पर पहुंच गए। फिलहाल कैश संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं हो सका जिस कारण कैश सीज कर लिया गया है। अब SST की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये कैश चुनाव में इस्तेमाल करा जाना था या नहीं। जालंधर से सुनील महाजन, पंजाब केसरी TV।